सपनों की अपनी ही दुनिया होती है, पर हम जैसों के सपने थोड़े अलग हैं। कोई आवाज नहीं, ना कोई सुनने वाला। मेरे मन में एक चिंता बनने लगी, ये बड़ी होगी फिर कहीं जाएगी या निकलेगी, लड़की है या कुछ, इसको कोई कुछ कहेगा या कुछ इसको करेगा तो मैं, मतलब ये कैसे आके मुझे बताएगी। 12वीं के बाद घर पे ही बैठा था, नौकरी नहीं थी। जब भी घर पे कोई बीमार होता था मुझे हेल्प करने की इच्छा तो होती थी, लेकिन मैं क्या करता। कभी कभार सही रास्ता दोस्त दिखा देते हैं। एक ऐसे ही दोस्त के साथ मैंने स्मार्ट प्लस एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू की। अलग अलग स्किल्स सीखे और उसके बाद मेरी जॉब लग गई। करण ने पगार आणला ना, मला खूप आनंद झाला। मी ज्याला पगार त्याला परत दिला। त्याला बोलता बिलता येत नाही, त्यामुळे पुढे कामाला जाते हे अपेक्षा नव्हतीच। मुझे नहीं लगा था कि मतलब प्रगति को इतना अच्छा जॉब मिलेगा। मैं सोचती थी कि कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे बच्चे, मतलब कोई उम्मीद नहीं था। इन बच्चों को कभी कम मत समझो आप, इनको सपोर्ट करो, ये खुद इनको रास्ता बताओ और उस रास्ते पे चलेंगे खुद अपने आप से ही, और एक दिन आपको भी लेके चलेंगे। Like, share and subscribe for more such Rise stories.